नमस्कार दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भाषण में कहा था कि कांग्रेस ने कच्चटीवु आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया है, जबकि उस पे हक भारत का था। तो आज कच्चटीवु आइलैंड के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। कच्चटीवु आइलैंड 285 एकड़ का छोटा सा टापू है, जो कि इंडिया से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ कोई नहीं रहता और ना ही कोई हैबिटेशन है। हालांकि वहाँ पे एक कैथोलिक चर्च है, जहाँ साल में एक बार फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर श्रीलंका और भारत दोनों जगह के लोग शामिल होते हैं। कच्चटीवु आइलैंड मेडिवल पीरियड के दौरान श्रीलंका के जाफना किंगडम के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। बाद में उस टापू को भारत के रामनाथ किंगडम को 17th सेंचुरी में दे दिया गया था। ब्रिटिश रूल के दौरान कच्चटीवु आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ही उसे अपना बता रहे थे। उसी समय से भारत और श्रीलंका में भी काफी तनाव हो गया था, इससे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी काफी फर्क पड़ा था। इन सब को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कच्चटीवु आइलैंड का होने से भारत को कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो आइलैंड श्रीलंका को देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। इस फैसले के बाद तमिलनाडु के मछुआरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार तो श्रीलंकन नेवी ने उन्हें पकड़ा भी था। इस बारे में आपका क्या कहना है? कच्चटीवु आइलैंड को भारत का हिस्सा बना रहना चाहिए था या नहीं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।